हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरी वॉइस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे हार्ट ऑफ डार्कनेस। हार्ट ऑफ डार्कनेस में दो मेन करेक्टर हैं, एक है मार्लो, दूसरा है कुर्सी। जो मार्लो होता है वो बहुत ही टफ कठोर होता है और हाईली कैपेबल होता है और इंडिपेंडेंस थिंकर होता है, प्रॉन टू टेम्पटेशन और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये सारी जो आदतें होती हैं ये मार्लो में होती है। और जो कुर्ज होता है वो ही इज इविल बट नॉट एज अ इविल एज इम्प्रेलिज्म साम्राज्यवाद से होता है, और वो मार्ले के बिल्कुल अपोजिट होता है। वो काफ़ी अच्छा होता है नेचर का। इसमें इन दोनों के बारे में ही बताया होता है। जो मार्लो होता है वो एक कंपनी में काम करता है एज अ स्कीपर। स्कीपर जब वो कंपनी में काम कर रहा होता है तो उसको कॉन्गो भेजा जाता है मीटिंग करने के लिए कुर्ज से जब मीटिंग करने के लिए उसको भेजा जाता है तो वो वहाँ पे जब पहुँचता है तो उसको ये पता चलता है कि जो कुर्ज है वो मर चुका है, और उसका मरने का जो राज है वो कुछ फाइनल अफेयर्स अपॉन हिज रिटर्न टू यूरोप। उसकी डेथ जो है वो एक रहस्य है, और वो उस रहस्य को जानने के लिए पागल सा हो जाता है और वो यूरोप जाने की तैयारी कर लेता है। और वो यूरोप जाता है, वहाँ पे कुर्जे के बारे में पूछता है उसकी डेथ कैसे हुई कैसे नहीं वो, और वो जो उसकी जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रिवर्स पहाड़ों के बीच में से होती है, लेकिन फिर भी वो एकदम पागल सा होता है कुर्जे के बारे में जानने के लिए। और वो जो ये जो पूरी नॉवल है, ये पूरी नॉवल यही है कि एक इंसान पूरी जर्नी करता है, इस पूरे नॉवल में जर्नी करता है किसी दूसरे इंसान के बारे में पता करने के लिए, और वो किस तरह पागल होता है एक दूसरे के बारे में जानने के लिए, और वो पूरे इस नॉवल में यही करता रहता है। थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस। थैंक यू टू ऑल।